अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। ये जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट का फोरम है। मेरा नाम इमरान पारे है, मैं कश्मीर प्रोवेंस प्रेसिडेंट हूँ इस फोरम का, और हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो तनवीर हुसैन है। जी सर, बिल्कुल यहाँ पे जो इस टाइम जो सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, या जहाँ पे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, सीरीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है, वाटर एंड सॉइल है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ के जो प्रेसिडेंट इस टाइम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल हमारा मकसद यहाँ पे जो जमा होने का है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे 80,000 के करीब जो क्लास फोर्थ के पोस्ट है वो दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो दस हज़ार पोस्ट है जिसकी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, कुछ दिन पहले उन्होंने उसकी नोटिफिकेशन निकाली है। बिल्कुल जो वो 10,000 पोस्ट है हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, नीड बेस, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF जो भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन है, पहले उनको अपना हक दिया जाए। किसी शायर ने कहा है, शहर गुलिस्तां में जब हमारा आशियां जला, शहर गुलिस्तां में जब हमारा आशियां जला, कुछ देर चमन में बड़ी रोशनी रही। बिल्कुल वही बात है, ये जो लोग है, ये जो कमेटी बनी है, ये हमारे 60,000 घरों को आग लगाकर 10,000 घर आबाद करना चाहते हैं। जो मतलब किसी भी सोच समझ वाले किसी भी इंसान के लिए वो समझ नहीं सकता है ये बात कि अगर यहाँ पे 60,000 के करीब कैजुअल लेबर्स है, आर्जी मुलाजमीन है, उनके घरों को क्यों आग लगा दें हम और हम नए घरों में रोशनी करें। पहले जो कैजुअल लेबर्स यहाँ के हैं, पहले इनको अपना हक दीजिए। आपको पता होगा अगस्त में एक बयान PM साहब का आया था, और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया था जब यहाँ पे UT हुआ, कि हम सबसे पहले जो यहाँ के कैजुअल लेबर्स हैं उनको हम यहाँ पे परमानेंट नौकरियाँ देंगे। उसके बाद 23/10/2019 को और एक SRO आया जिसमें ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है ये UT बन गया, और यहाँ पे हम जो मिनिमम वेज एक्ट है वो लागू करेंगे, जिसकी एक कॉपी हमारे जो सेक्रेटरी है, लेबर सेक्रेटरी है, उसको भी दी गई थी। लेकिन आज तक ना हमें मिनिमम वेज एक्ट न यहाँ पे लागू किया गया, और न ही हमें अभी तक अपनी जो परमानेंट जॉब्स है वो दिए गए हैं। हम इसके इंतज़ार में हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, हमारे एक इरिगेशन के जो कैजुअल लेबर्स थे सोपूर में, आज़ाद अहमद डार साहब, उसने भी सुसाइड किया COVID-19 में। उसके पास पैसे नहीं थे, वेजेस रिलीज नहीं हुए, और उस वजह से उसने सुसाइड किया। तो और हम चाहते हैं कि जो इस टाइम जो गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बनाई है, न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी, हम चाहते हैं कि वो ये करे, हमें इससे कोई गर्व नहीं है। लेकिन जो ये हक है, जो यहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स है, उन्होंने माली का पोस्ट होता है, जो स्वीपर का पोस्ट होता है, ये उन्होंने जो हेल्पर का पोस्ट होता है, ये वो दे रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। जहाँ पे हमारा हक है, जहाँ पे मेरे 60,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस, ITI, सीजनल लेबर्स, लैंड ओनर्स, ITI, SDF जो भी है, जो भी आर्जी मुलाजमीन है, जहाँ पे इनका हक है, पहले ये हक हमें दिया जाए, हमें अपना हक दिया जाए। उसके बाद जो है वो 10,000, 20,000, 30,000 जो भी उनको लगाने हैं वो लगा दीजिए। हमें उनकी आखिर पे हम इस कमेटी को ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे 60,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस को अगर हमें रेगुलर नहीं किया गया, अगर हमें परमानेंट जॉब नहीं दिया गया, और इस ये जो SRO आया है इसमें, ये हम चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करें, इसमें डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए डायरेक्ट परमानेंट जॉब दिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम COVID-19 को साइड में रह के हम सड़कों पे आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूरे कैजुअल लेबर्स जो है वो सड़कों पे आएंगे, और जो हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जम्मू में, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर साहब की कयादत में, वो वहाँ पे एक प्रोग्राम देंगे जो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स है, हम उस प्रोग्राम की ताकीद करेंगे और उस पर अपना खून बहाएंगे।